नमस्कार निमा स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तब्रेज अकबर। बीते दिन ही आपने घटना सुनी थी कि 5 लाख से अधिक की रकम जो है वे लूट ली गई थी, वो भी एक मुनीम से। व्यापारी और मुनीम के बीच जब बयानों का जब दौर छिड़ा तो विरोधाभास देखा गया और पुलिस की सुई जो शक की सुई है वे डायरेक्ट मुनीम के ऊपर घूम गई थी। आज पुलिस ने उस घटना का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, इस मामले में फर्जी लूट की कहानी मुनीम के द्वारा ही बनाई गई थी और उससे रुपये भी जब्त कर लिए गए हैं। देखिए आखिर किस तरह से पुलिस ने इसका खुलासा किया है और प्रेस वार्ता में जो तथ्य सामने आए हैं वे आपके होश उड़ा देंगे। देखिए रिपोर्ट। नीमच में लूट की घटना का पर्दाफाश कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान और उनकी टीम ने कर दिया। 28 नवंबर की शाम राज पैलेस होटल के पीछे लेवड़ा रोड पर घटित रुपये 5,31,000 रुपये की फर्जी लूट का पर्दाफाश आरोपी मुनीम सोनू अहिर को गिरफ्तार कर और उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर एक मोटरसाइकिल और 4,71,000 रुपये जब्त करने में सफलता मिली है। फरियादी महावीर पिता आनंदीलाल जैन उम्र 52 साल निवासी बालाजी धाम के पीछे बघाना ने एक आवेदन पत्र पेश किया जिसमें लिखा गया है कि वे लहसुन के व्यापारी हैं और कृषि उपज मंडी बघाना में उनकी जीएम इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है। इस फर्म पर काम करने वाले मुनीम सोनू उर्फ सुनील पिता मनोहर लाल अहिर निवासी अहिर मोहल्ला बघाना का कलेक्शन करने के लिए मेरी मोटरसाइकिल लेकर गया था, जिसने शाम को मेरे पुत्र गौरव को मोबाइल पर सूचना दी कि उसके साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लेवड़ा रोड बचे ब्रदर्स वेयर हाउस के पीछे सर में चोट पहुंचाकर और आंखों में मिर्ची डालकर कलेक्शन की रकम 5,31,000 रुपये लेकर भाग गए हैं और बैग घटना स्थल पर ही छोड़ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए पाया कि यह घटना झूठी और असत्य जानकारियों पर आधारित है। पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें कोई सुराख नहीं मिला, ना कोई चोर किसी रोड पर दिखाई दिया, ना ही कोई वाहन जाते हुए नजर आया जो लूट की घटना दर्शा रहा हो, जिस पर पुलिस ने सोनू अहिर से सख्ती से पूछताछ की, जिस पर मालूम हुआ कि सोनू सट्टा खेलने का आदी है और सट्टे में 4 लाख रुपये हार गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए उसने स्वयं के साथ लूट की घटना रचित की और आरोपी मुनीम सोनू उर्फ सुनील के द्वारा रुपये फर्म में ना जमा कराकर रास्ते की गली के बाजू में खाली प्लाट पर मोटरसाइकिल ले जाकर अपने हाथ से ईंट स्वयं के सर पर मारी और अपनी आंखों में मिर्ची डालकर मालिक को फोन लगाकर घटना स्थल पर बुलाकर लूट की झूठी घटना बताई है। उक्त घटना के संबंध में आरोपी मुनीम सोनू उर्फ सुनील पिता मनोहर लाल अहिर उम्र 32 साल निवासी अहिर मोहल्ला बघाना के विरुद्ध थाना बघाना पर अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आरोपी से 4,71,000 और घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जैसा कि आप विदित थे, दिनांक 28/11 को एक आवेदन सूचना प्राप्त हुई महावीर जैन के द्वारा कि उनके मुनीम सोनू उर्फ सुनील अहिर कलेक्शन करने के लिए अपने जो गया था वापस आ रहा था उसके साथ मिर्ची पाउडर डाल के मारपीट करके उससे करीब 5 लाख रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने लूट लिए। घटना सनसनीखेज होने से तत्काल उसमें पुलिस बल पहुंचा, एसपी साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फरियादी से बातचीत की गई है। बातचीत दौरान हमें घटनास्थल को देखने पर थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हुआ, तत्काल इसमें एक टीम गठित की गई है। PI बघाना पुष्पा चौहान और उनकी टीम और साइबर सेल और अन्य तकनीकी साक्ष्य माध्यम से उनके द्वारा विवेचना की गई है। विवेचना दौरान पता चला कि ये जो आहत है ये पूर्व में भी इसके खिलाफ अपराध दर्ज थे। मुखबिरों सूचना से प्राप्त हुई थी जानकारी, उसके आधार पर से पूछताछ की गई मनोवैज्ञानिक तरीके से। उसके द्वारा बताया गया कि वो सट्टा खेलने का आदी है और उसी दिन उसने करीब 4 लाख रुपये इसमें हार गया था सट्टे में, तो उसमें जो कलेक्शन आया था उसी वजह से घबरा करके उसने एडजस्ट कर दी करने के लिए उसने ये घटना रचित की। घटना रचित आया तो अपने घर पैसे रखने के बाद में इन्होंने क्या किया है कि अपने जो वहाँ से पैसे लिए थे उसी के बाजू से बाड़े में जा कर ये घटना मिर्ची का पाउडर डाल लिया और ऊपर से अपने हाथ से ही उसने सिर खोल लिया और बेहोशी का नाटक करने लगे। तत्काल अपने जो मालिक है उसको फोन लगा दिया मेरे साथ
आरोपी से पूरे 471,000 रुपये जब्त कर दिए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर दिए। इस प्रकार से हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुष्पा सिंह चौहान की आई और उनकी टीम के द्वारा साइबर सेल के द्वारा एकदम सलामी कार्य किया गया। सभी को उसमें नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। सर घटना पूर्व में 5:30 बजे की घटना बताई सर, इसके ऊपर और भी पूर्व में प्रकरण? हाँ, इसके खिलाफ इस अपराध से 3 अपराध हो गए, पहले से 2 अपराध। सर ये सट्टा आप बता रहे हैं सर, किस प्रकार का सट्टा सर? ये ऑनलाइन सट्टा है।